हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का नया चैप्टर। तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया था तो पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांच होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था कि जब भी हम चार्ज की स्टडी करते हैं और वो चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था किसी भी चार्ज के बारे में कि हमारे पास दो चार्ज होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि किसी भी चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है या किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है। फिर लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है और उसे उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी ब्रांच इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, जब भी हम चार्ज की स्टडी करते हैं और वो चार्ज मोशन में हो तो वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो हम स्टार्ट करने वाली है हमारी नई यूनिट, इसका थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हम दो कंडक्टर ले लेते हैं, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी। इस कंडक्टर ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस कंडक्टर बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये जो कंडक्टर बी है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका एक्सेस है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो कंडक्टर ए है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जैसे ही हम इन दोनों कंडक्टर को एक रेजिस्टेंस वायर की हेल्प से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इसलिए इस कंडक्टर से होते हुए इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आने लगते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कुछ देर तक आते रहे। हमने मान लिया कि टी टाइम तक ये इलेक्ट्रॉन बी से ए में आते रहे, जिसके कारण टोटल क्यू चार्ज बी से ए कंडक्टर की ओर फ्लो हो गया। तो इसी चार्ज के फ्लो का जो रेट होता है उसे ही कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम डिफाइन करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जैसे ही हमने किसी वर्ड के आगे रेट लगाए तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं और फ्लो ऑफ चार्ज तो इसको हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो ये करंट का फॉर्मूला हो जाता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या बनेगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। तो आई इज इक्वल टू हमें मिल गया क्यू अपॉन टी। साथ ही यदि हम चाहें एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले, मान लेते हैं कि हमने एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया डी टी, तो इस टाइम इंटरवल में बहुत छोटा सा चार्ज डी क्यू ट्रांसफर हो गया। तो अब जो करंट है इसका फॉर्मूला बन जाएगा डी क्यू अपॉन डीटी। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला रहा। फिर इसके बाद हमारे सामने सवाल आता है कि आखिर इस करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो हमें इसमें दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन से वो बी कंडक्टर से ए कंडक्टर की ओर फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब यदि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो हम एक कंक्लूजन लिख लेते हैं
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ गया, एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास आया है, पर हम मान सकते हैं कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ निकल कर गया। तो इसी पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ गया, इसीलिए इसकी डायरेक्शन भी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। तो सेकंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये हमें कंडीशन ध्यान रखना। अब यदि हम चाहें तो इस Q का एक और फॉर्मूला रख सकते हैं। Q का फॉर्मूला होता है Q is equals to N, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो Q is equals to N यदि हम पुट करें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा I is equals to N E upon T। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के। फिर इसके बाद सवाल आता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि मैंने इस कंडक्टर ए को उठाकर यहाँ की जगह यहाँ रख दिया तो भी करंट ए से बी फ्लो होगा, यदि इस कंडक्टर को यहाँ रखा है तो भी करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है। तो डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके डायमेंशनल फॉर्मूला और फॉर्मूला क्या है। तो अब हम देखते हैं कि इस करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है। तो करंट का फॉर्मूला होता है I is equals to Q upon T। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर, और 1 एम्पियर किसकी इक्वल हो जाएगा, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो हमें यहां से मिलेगा 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। फिर इसके बाद इसका सीजीएस यूनिट देखते हैं। तो CGS यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर की जगह स्टेट एम्पियर, और चार्ज का CGS यूनिट स्टेट कूलम, और टाइम का CGS यूनिट ये तो सेकेंड ही है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 1 स्टेट एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 स्टेट कूलम पर सेकेंड। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू है 1 कूलम पर सेकेंड, और 1 कूलम में होते हैं 3×10⁻⁹ स्टेट कूलम। तो हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 3×10⁻⁹ स्टेट कूलम पर सेकेंड। तो हमें मिल जाएगा 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 3×10⁻⁹, और 1 स्टेट कूलम पर सेकेंड क्या होता है, 1 स्टेट एम्पियर। तो ये हो जाएगा स्टेट एम्पियर। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो यदि अब हम देखें तो इस फॉर्मूले की हेल्प से
हम एक और डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हैं, I इज इक्वल्स टू है क्यू अपॉन टी। तो ये भी हम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पुट कर दें तो हमें मिलेगा I इज इक्वल्स टू q। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। तो हमें यहाँ से डेफिनेशन मिलेगा द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आप इसे इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम और आगे टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकली 1 एम्पियर आखिर कितना होता है। तो करंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यदि हम इसमें चार्ज की वैल्यू 1 कूलम पुट कर दें और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो यहाँ से हमें 1 एम्पियर का क्या डेफिनेशन मिल सकता है, व्हेन 1 कूलम चार्ज पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यदि किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो हम उसे कहते हैं कि उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें लगेंगे जिससे कि हम 1 एम्पियर करंट को फ्लो कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, ये हमने पहले डिराइव किया था। तो हम यदि I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पुट करें क्योंकि तो हमें इसका वैल्यू निकालना है और t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू एन इन टू ई। ई के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन टी की जगह भी हम पुट कर लेते हैं 1 तो हमें मिल जाएगा यहाँ से एन इज इक्वल्स टू 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹। तो एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 upon 1.6 और इस 10⁻⁹ को मैं ले जाता हूँ ऊपर तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। फिर मैं इस 19 से एक 10 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 10⁻⁸ और ये हो जाएगा 10। और 10 upon 1.6 की वैल्यू होती है 6.25 तो हमें आंसर मिल जाएगा 6.25 × 10⁻³। तो जब भी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो उसे हम कहेंगे कि उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का डेफिनेशन होता है द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है ये करंट डेंसिटी होगी करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और इसे हम डिनोट करते हैं जे से। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है आई अपॉन ए और इससे पहले हमने पढ़ा है आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन टी। तो जे का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्यू अपॉन टी अपॉन ए। तो जे का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा क्यू अपॉन एटी। एक फॉर्मूला तो ये रहा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक और डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं और वो क्या है, यदि ए इज इक्वल्स टू हो जाए 1 m² एंड टी इज इक्वल्स हो जाए 1 सेकेंड तो हम कह सकते हैं कि जे इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू, जिससे हमें डेफिनेशन मिलेगी
the amount of charge transfer in per unit time in per unit cross section area of a conductor is called its current density. और साथ ही हमें एक और फॉर्मूला बता है Q is equals to Ne. तो इसके हेल्प से हमें पता चलेगा J is equals to Ne upon AT. तो इसके बाद हम इसका यूनिट है डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसा यूनिट. तो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर इनवर्स टू. वैसे यदि इसका सीजीएस यूनिट देखें तो करंट का सीजीएस यूनिट होता है स्टेट एम्पियर और एरिया का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका यूनिट हो जाएगा स्टेट एम्पियर सेंटीमीटर इनवर्स. फिर इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा. आई का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए एम्पियर अपॉन. एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा एम जीरो एल इनवर्स टू ऊपर गया तो एल इनवर्स टू टी जीरो एंड ए. तो आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं. आप इसे नोट कर लीजिए.